दिल्ली स्थित लाल किला परिसर में आयोजित भारत पर्व के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड के हस्तशिल्प लोक संस्कृति एवं खान पान को प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य की झांकी थीम विकसित उत्तराखंड को समारोह स्थल में प्रदर्शित किया गया। इस महोत्सव में उत्तराखंड राज्य की झांकी विकसित उत्तराखंड आगंतुकों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। विकसित उत्तराखंड झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंड की महिला को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया और पारंपरिक व्यंजन मंडुवा, छंगोरा, रामदाना व कौड़े की खेती अथवा राज्य पक्षी मोनाल को दर्शाया गया। झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है और इस योजना से हजारों ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के पारंपरिक व्यंजनों भट्ट का हलवा, नंदा थाली, झंगोरे की खीर को शेफ द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसका भारत पर्व में आए दर्शकों ने पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया एवं दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया। भारत पर्व में उत्तराखंड के लोक कलाकारों द्वारा उत्तराखंडी सामूहिक लोकगीत एवं नंदा राजजात, छपेली, पन्यारी, जौनसारी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत पर्व में हमें विभिन्न कार्यक्रमों और मंडपों के जरिए देश की संस्कृति व विरासत को जानने का मौका मिलता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। भारत पर्व भी गणतंत्र दिवस का ही हिस्सा है, जिसका आयोजन गणतंत्र दिवस के साथ ही किया जाता है, जो कि लाल किले के समीप आयोजित होता है। दिल्ली से उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। इस बार उत्तराखंड राज्य की जो झांकी विकसित उत्तराखंड थीम पर आधारित थी और पहली बार उत्तराखंड राज्य को भारत पर्व में मौका मिला है और उत्तराखंड राज्य की जो झांकी थी वो हम लोगों ने 22 जनवरी को लाल किले पर स्थापित कर दी थी और 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक लाल किले पर ही है और लाखों लोग पूरे देश के झांकी का दीदार कर रहे हैं। और इस बार जो थीम थी उत्तराखंड राज्य की झांकी की, वो विकसित उत्तराखंड पे थे, जिसपे हमने उत्तराखंड के जो पारंपरिक ड्रेस है उसको प्रदर्शित किया था, उत्तराखंड के जो होम स्टे है उसको प्रदर्शित किया था, उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड है और ऑल वेदर रोड के अतिरिक्त जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसको इसमें हमने दिखाया गया था और एप्पन आर्ट को कुल मिला के इस बार विरासत पर, विरासत और विकास इस थीम पे आधारित हमारी झांकी थी, जिसको काफ़ी लोगों ने लाल किले पर भारत पर्व में सराहा है और लाखों लोगों ने इसको देखा है। लाल किला परिसर में 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में और उत्तराखंड
पर्यटन ने भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है अपना, एक थीम पवेलियन है और उसके साथ में हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं पूरे देश भर के यहाँ, और उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है और पर्यटक स्थल है उनसे रूबरू हो रहे हैं और वहाँ के हस्तशिल्प के उत्पादों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। काफ़ी प्रचार प्रसार यहाँ पर उत्तराखंड का जो हैंडीक्राफ्ट है और जो कल्चर है उसका हो रहा है।